राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की ओर से माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के पदाधिकारियों ने दोनों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान, लोक सेवा मंच ने दोनों हस्तियों के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि गांधी जी एवं शास्त्री जी मानवता और सादगी की अमित मिसाल थे। उनके विचार युगों युग तक देश दुनिया के लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर लोक सेवा मंच के अन्य पदाधिकारीगण राजेंद्र अग्रवाल, हर्ष यादव, महेश कौशिक, रतन मेहता, रमेश मुदगिल, मुकेश कुमार, प्रदीप शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत जय जवान जय किसान के जोरदार नारे बुलंद किए गए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज हमारे दो युग पुरुषों बहुत ही आदरणीय महात्मा गांधी जी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने मानवता का, सादगी का और प्रशासन में पारदर्शिता का जो सिद्धांत दिया वो आज भी प्रासंगिक है। पूरी दुनिया उनकी प्रतिभाओं का लोहा मानती है। आम आदमी की सत्ता में भागीदारी का जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिस्थापित किया, आज जरूरत है ऐसे नेताओं की, ऐसे प्रशासकों की। हम पुनः उनको याद करते हुए लोक सेवा मंच की तरफ से उनके मार्गदर्शन में लगातार चलने का संकल्प लेते हैं और उनके नारे को जय जवान जय किसान को बुलंद करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।